He is not there. Nishikanthi Kothi. Yes. Ramashankar ji. Okay. सभापति महोदय, स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप ने जंगल की रोटी खाई थी, ठीक उसी तरह से इतिहासों में जाने जाने वाली एक राजभर जाति है जो विदेशी आक्रमणकारियों से तबाह होकर पूर्वांचल में बसी है। 22 तारीख को हमारे संसदीय क्षेत्र के सीयर तहसील के उभाव थाना अंतर्गत एक गांव है उस्मानपुर अवाय, गाजीपुर जनपद के एक अमवा गांव में सती माई का स्थान है। ऐसा अंधविश्वास है कि वहां जो आदमी जाएगा सांप काटने से वो ठीक हो जाएगा। 8 बजे सुबह राजभर जात के लोग टाली पर सवार होकर चलते हैं, अभी 7-10 किलोमीटर गए रहे हैं तब तक टाली उलट जाती है और सभापति महोदया 42 लोग जी। इट इज ऑलरेडी 6 o'clock, इफ ऑल ऑफ यू विच वी विल हैव वी विल कंप्लीट दिस देयर ओवर। थैंक यू महोदया जी। टाली पर 60 लोग चलते हैं, टाली उलट जाती है और महोदया मैं मौके पर था, 6 महीने के, 1 साल के, 3 साल के 11 बच्चे और 13 बच्चियां, 18 महिलाएं, 42 तो आम इस्पात मर गई। और 1 घंटा 20 मिनट भी नहीं लगा, जहां टाली उल्टी थी उसके नीचे पानी था, उसी पानी से ऊपर उठ नहीं पा रहे थे लोग और उसी में डूब के मर गए। 18 लोग घायल हैं। हम लोग मौके पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत ही घायलों को, जो मृतक परिवार के लोग थे उनको 1-1 लाख रुपया, जो घायल हैं उनको 50,000 रुपया और जो कम घायल हैं उनको 25,000 रुपया दिया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह राजभर जाति, और आपको जानकर ताजुब होगा कि वो संपूर्ण 42 लोग कुल मरे जिसमें 38 राजभर जाति के थे, 38 राजभर जाति के थे। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो जात कभी राजा रही और जो जात विदेशी आक्रमणकारियों से लड़कर आज नदी नालों के किनारे जादू टोना पर विश्वास करती है, मैं तो कहूंगा सभापति महोदय कि आज उसके अस्तित्व पर खतरा हो गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको यह लगे कि देश मेरे साथ है, इसके लिए मृतकों को 5 लाख रुपया, ज्यादा घायलों को 2 लाख रुपया और कम घायलों को 1-1 लाख रुपया भारत सरकार दे, ताकि उनको यह विश्वास हो कि देश मेरे साथ खड़ा है। धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे।